हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेवन एट सिक्स इस वीडियो में हम एम सी क्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूजी जी सिक्स्थ सेमस्टर हिस्ट्री के है थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट सेकंड ये जो है ये जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स हैं सिक्स सेमिस्टर तो यहाँ पर जो ये हैं इसको हम कहते हैं कोड ये कोड आपको आंसर शीट में भी लिखना पड़ता है तो ये जो है ये आप यहाँ पर, पर याद भी रख सकते हो तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे एम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पहला यूनिट जो यहाँ पर है वो है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर सेकंड बिगनिंग ऑफ कॉलोनियल एरा इन साउथ एशिया तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट जो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इंडियन रेस्पांस एंड द फोर्थ यूनिट इज मुगल एम्पायर इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रोल ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इसी तरह से गांधीन एरा इसमें आपको खिलाफत एंड नॉन कापरेशन मूवमेंट है गांधी सिविल डिसबीडेंस मोमेंट इसी तरह से क्विट इंडिया मोमेंट मतलब इससे क्या हमने यहाँ पर करना है ये तो हमें यहाँ पर इनके एम सी क्यू सॉलो करने हैं तो अब हम एम सी क्यू सॉलो करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो चलिए हम एम सी क्यू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से The first question is फर्स्ट क्वेश्चन is the father of Renaissance or we फादर ऑफ रिशा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा यहां पर फ्रांसिस्को पैट डियर स्टूडेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक बन सकता है रिनसेंस रिनसेंस का क्या मतलब होता है रिनसेंस जो है ये टर्म सबसे पहले फ्रांस में स्टार्ट होता है फ्रांस में फ्रांस से ये शुरू हो जाता है जिसका मतलब होता है रिबर्थ रिबर्थ यानी रिनसेंस का मतलब होता है रिबर्थ ये यह आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ पर आप और एक चीज़ देख सकते हो पार्ट वन है ये इस वीडियो में जो एम हम कवर करने जा रहे हैं इसमें पाँच पार्ट्स हैं तो पाँच पार्ट्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री रिनसेंस बिगिन फर्स्ट तो सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ था तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूरिंग रीनसेंस यूनिवर्सिटी ऑफ पडवा वॉज फेमस फॉर वाट ऑप्शन सी फॉर लीगल स्टडीज ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर द किंग ऑफ फ्रांस एट एट द टाइम ऑफ सेवनटीन हंड्रेड एटी नाइन रिवोल्यूशन वॉज ल्यूस एक्स आई वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आपको पता होगा सेवनटीन हंड्रेड एटी नाइन में कौन सा आया था फ्रेंच रिवोल्यूशन ये भी आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बन सकता है यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में आया था नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जैकोब बुरखार्ड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज द सिविलाइजेशन ऑफ द रिट्स इन इटली नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द फॉलोइंग ए फेमस जर्मन हिस्टोरियन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लियोपोल्ड वन रैंक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन now the next question is by whom was press invented option c is the right answer that is jonas gutenberg the next question is when was constantinople was occupied by the turks option c is the right answer that is in 1453 ce next question is name the book written by dante Alighieri. option c is the right answer that is the divine comedy Here the next question is in which language Giovanni Boccaccio's book Decameron was written? Option D is the right answer, that is Italian. Now the next question is in which year Oration on the Dignity of Man was published? Option D is the right answer, that is fourteen hundred eighty-six. C. Question number twelve. Who was author of the Prince? Niccolo Machiavelli. ये जो है ये जो है ये स्कॉलर जो है ये वेस्टर्न है नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच नेम प्लेटो वाज नून इन अरबिक प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है अरबिक में ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दैट इज़ अफलातून प्लेटो जो है ही इज़ आल्सो नोन एज द फ़ादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस एक डिसिप्लिन है एक सब्जेक्ट है इसका फादर जो है उसको प्लेटो को माना जाता है इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया आपका एक्स्ट्रा पॉइंट भी बन सकता है ये

मैं यहाँ पर आपको यह सर में बताता हूँ इसमें आपका टाइम भी बच जाता है तो इसलिए चार ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एटीन बाई होम द बुक इंटाइटल कोस्मोग्राफिकल मिस्ट्री रिटर्न तो इसका राइट right आंसर जो है वो है जॉन्स कैपलर -E -E के ई पी एल ई आर कैपलर इसने ये बुक लिखी है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन्वेंटेड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन ऑब्वियसली कॉमन क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है ऐसा न्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन विलियम हरविट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब हम पार्ट सेकंड देखेंगे पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है विच कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द रिनिसा तो इटली क्योंकि वहीं से तो ये स्टार्ट होता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर now the next question is which person most embodied the ideas of the incense martin luther option d is the right answer for this question now the next question is the relying carry of the sorry the relying cry of the incense was ad fontes this means to the sources option a is the right answer for this question Now the next question is culturally, what did the Renaissance recognize in the classical text they found? Option B is the right answer. Different cultural assumptions that allowed them to fog a different view of humanity. So option B is the right answer. Question number five: What was happening politically in the Renaissance period? Kingdoms became consolidated. Option D is the right answer. Now the next question is question number six: The Renaissance वॉज स्प्रेड ऑन द मोस्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल इनोवेशन द प्रिंटिंग प्रेस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिन सेंस ह्यूमनिज्म ह्यूमनिज्म दोज हुट चर्च एंड स्टेट ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन रिन सेंस थिंकर्स आर्टिस्टस एंड पोइट्स टू द क्लासिकल वर्ल्ड

पहला क्वेश्चन जो यहां पर है वो है नेम द मोगल एम्पायर हु इशूड फिरमैन प्रमिटिंग ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया जहांगीर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया एट सूरत ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर बनेगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग ड्यूटी फ्री इन बंगाल इन सेवनटीन हंड्रेड एंड तो ये इसका राइट right आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ऐसा ना समझिए कि मैं आपको सिर्फ ये सार नो में आप खुद भी पढ़ सकते हो ऐसे इससे बेहतर है कि मैं आपको पी डी एफ फाइली प्रोवाइड करूँ बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा कहा कि सर आप सिर्फ ये सार नो में हमें बता दीजिए हम खुद समझेंगे मैं क्या करता था मैं क्वेश्चन को पढ़ता था पहले आपको रेफरेंस देता था बट स्टूडेंट्स ने कहा ये इससे हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट होता है तो स्टूडेंट्स के डिमांड के मुताबिक वीडियोज़ बनाता हूँ मैं यहाँ पर तो इसलिए मैं आपको ये सारे यहाँ पर आंसर देता हूँ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैर्नाटिक वॉर वायर फॉर्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड एंड द फ्रेंच ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मॉडर्न कम्युनिकेशन फैक्ट्री वॉज अप इन सेवनटीन सिक्सटी फाइव विथ फ्रेंच असिस्टेंस इन तो यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया हुआ है मैंने गूगल पे सर्च दिया तो मुझे यहाँ पर राइट आंसर मिला है सीरा ऑप्शन बी तो आप ख़ुद भी इस पर थोड़ा सर्च कीजिए कि हो सकता है गूगल पे कभी कभार क्या होता है कि किताब पे कुछ और होता है गूगल पे कुछ और होता है इस पर आप खुद थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्री रंग पटम ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर दैट इज टीपू सुल्तान नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वाज द मेन रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लाजी ब्रिटिश सुपर मैसी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिगार्डेड फाउंडर ऑफ कलकुटा ऑप्शन सी इसका भी राइट आंसर बनेगा यहां पर जॉब चैरनॉक क्वेश्चन नंबर नाइन टर्म दस्तक एम्प्लायज फ्री पास और ड्यूटी फ्री ट्रेड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर वन दादा भाई नरोजी did for the first time explain the drain of india wealth to england in his article option c is the right answer that is on the comments of india next question is the permanent settlement of 1793 vested the ownership of land in the village communities option c is the right answer next question is the Rotwari settlement was for the first time implemented in madras and bombay madras and bombay ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नरोजी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्री ट्रेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश और वी मे सी द ब्रिटेन प्रोफिटेड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ब्रिटिश इंडस्ट्री ऑप्शन डी जो यहां पर है इसका राइट आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया

क्वेश्चन नंबर नाइन हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑप्शन डी इज द राइटर जे बी क्रियोपलानी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमत गार ऑर्गेनाइजेशन खान अब्दुल अबार खान ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब हम क्वेश्चन देखेंगे पार्ट फिफ्थ के हु वाज द टीचर ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज स्वामी बिरजानंद क्वेश्चन नंबर वन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज दयानंद वॉज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ ओरिसा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेन डिड वेन एंड वायर आर्या समाज वॉज फाउंडेड इन एटीन हंड्रेन सेवनटी थ्री गुजरात ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फोर आर्या समाज लाहौर वॉज इस्टेबलिश इन एटीन हंड्रेड सेवनटी सेवन इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर एटीन हंड्रेड सेवेंटी सेवन नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज गुरुकुल विद्यालय वॉज इस्टिश इन हरिद्वार नाइनटीन जीरो टू ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेट अपन बम्बई इन एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फोर तो ऑप्शन वन जो यहाँ पर है यह इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर सेवन द फर्स्ट बिग शो ऑफ स्ट्रेंग ऑफ द सभा वॉज द रैली हेल्ड डिसंबर हेल्ड इन डिसंबर फैज आबाद तो ऑप्शन पहला जो यहाँ पर है यह इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर एट इन अगस्त नाइनटीन टवेंटी वन पीजेंट इन द मलाबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला ऑप्शन वन मैंने पहले ही कहा ऑप्शन वन जो यहाँ पर सेकंड जो है नाइनटीन ट्वेंटी वन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बरादूली तलाक हैज़ बीन सिलेक्टेड इन नाइनटीन टवेंटी टू एज द प्लेस फ्रॉम वायर गांधी जी वुड लॉन्च द सिविल डिस कैम्पेजन पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट बनेगा नाइनटीन हंड्रेड ट्वेंटी टू Second next question is Gandhiji has had shifted to Bardoli on 2nd August 1928 in order to take over the reins of the movement if Patel was arrested. Third option is the right answer for this question. Next question is: who gave the theory of safety value to the Congress? Lala Lajpat Roy. Option C K Second.

Now, the question number 15 When did Indian Association organize an Indian National Conference? Option C is the right 1885. Now the next question is who of the following was the first president of the Indian Trade Union Congress in 1920? Lala Lajpat Rai. Option C is the right answer. Our next question is by virtue of which act hierarchy was introduced in India? ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो ये आपका यहां पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु दंसिडर द डिफेंस इन द ट्रायल ऑफ द आई एन कैप्टन पी के कैप्टन शाहनवाज खान एंड कैप्टन जी एस धिलोन तो आंसर जो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए बुला भाई देसी नाउ दो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सिविल डिसोबीडेंस मोमेंट अगर आप लोगों ने सिविल डिसबिन्स मोमेंट सही से पढ़ा है तो नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको देखना है इनमें से सही कौन है ना कि गलत जो सही है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसके सही हैं ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हू एमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टड द रेजोलूशन ऑन फंडामेंटल राइट फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन नाइनटीन थर्टी वन पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच